यूपी में छठे चरण में 52.03% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 55.60%, प्रतापगढ़ में 51.60% मतदान हुआ। फूलपुर की बात करें तो 48.97% मतदान हुआ। इलाहाबाद में 51%, अंबेडकर नगर में 61%, श्रावस्ती में 52% और साथ ही डुमरियागंज में 51%, बस्ती में 56%, संत कबीर नगर में 52% और लालगंज में 54% मतदान हुआ। आजमगढ़ में 56%, जौनपुर में 55%, मछली शहर में 54% तो वहीं भदोही की बात करें तो 53% मतदान हुआ। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रैली के बाद में सीएम योगी मंदिर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना की काल भैरव मंदिर के और जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने रैली को संबोधित कर विपक्ष पर करारा वार किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का विरासत टैक्स कांग्रेस का जजिया कर है। कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहती है कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब, यह इसका मतलब है भारत के अंदर बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें और माताएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुपक्के रहना पड़ेगा, तालिबानी शासन को देश के अंदर लागू करने का प्रकुत्सित प्रयास, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत किसी शरिया कानून से नहीं चल सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पवित्र करने का काम किसी ने किया था, इसी दुष्ट औरंगजेब ने किया था। बहनों और भाइयों, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था, और कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने अपने समय में ऐसा ही टैक्स हिंदुओं पे लगाया था, उसको कहते हैं जजिया कर। हिंदुओं से कहता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहन और भाइयों, ये वरासत टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है औरंगजेब का। हमें औरंगजेब को देश के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। उसको जहां दफन है वहीं दफन होने देना है। पीएम मोदी ने आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने सातवें चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस और गठबंधन को आड़े हाथ लिया। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया, जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। ये इंडी गठबंधन वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन सब में कुछ अवगुण कॉमन है, उनकी पहचान है। एक इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां गौर सांप्रदायिक है, दूसरा वे गौर जातिवादी है, तीसरा वे गौर परिवारवादी है। इन लोगों ने हमेशा देश में दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका।
वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए रोड शो कर प्रचार किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को जिताने की अपील की। रोड शो से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। खबर प्रयागराज से है। रेवती रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया। करेली थाने में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए रेवती रमन समेत 50 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।